अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद इरफान और आप देख रहे हैं लाइफ वर्क्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम इनवेरेक्स के एरोक्स 5.2 किलोवाट सोलर इन्वर्टर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये इन्वर्टर 2019 की सीरीज का इन्वर्टर है। एरोक्स की सीरीज 2019 में लॉन्च हुई थी। यही सेम इन्वर्टर 2019 में वाइट कलर का था। अब इन्होंने सिर्फ कलर चेंज कर दिया और कोई ऐसी चेंजिंग नहीं की। इसका कलर ब्लू हो गया है और वाइट कलर जो 2020 में इन्होंने दिया है वो 2.2 किलोवाट के इन्वर्टर को दिया है। तो जल्दी से मैं आपको इसका एक छोटा सा रिव्यू देता चलूं कि कोई चेंजिंग नहीं है, सेम चेंजिंग है। ये आप देख सकते हैं, 5200 वाट तक का आप इसको लोड दे सकते हैं, 230 वोल्ट इनपुट दे सकते हैं, सिलेक्टेबल वोल्टेज रेंज, पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए जो डिज़ायर्ड आपकी हो रेंज आप यहां से यहां तक दे सकते हैं, अप्लायंसेस के हिसाब से आप रेंज दे सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इसमें सेम है, 50 हर्ट्ज़ 60 हर्ट्ज़ जो हमारे अप्लायंसेस चलते हैं इसी रेंज में। अब बात करता चलूँ आउटपुट की भी, ग्रिड टाइप का भी ऑप्शन है इसमें। मैं उसमें मज़ीद नहीं बताऊँगा कि क्या क्या सेटअप है। आपने एडमिटिंग की भी सहूलत इसमें है। और दूसरी बात करता चलूँ कि इसमें विदाउट बैटरी भी ये काम कर सकता है। अब मेन चीज़ें बताऊँगा जो इसमें हैं, और वो चीज़ें कोई नई नहीं है। वो 2019 के जब ये वाइट कलर में था तब भी थी, और अब जब ब्लू कलर में है तब भी इसके अंदर वो खसूसियातें मौजूद हैं। दोस्तों, मेन चीज़ होती है बैटरी और सोलर चार्ज की, कि वो कितने ज़्यादा इफ़िशेंसी का है और बैटरियां कितनी सपोर्टेड करता है और विदाउट बैटरी चलता है। तो ये चीज़ें मेन होती हैं इन्वर्टर्स में। तो चलते हैं बैटरी के बारे में, आपको बताता चलता हूँ कि यहाँ 48 वोल्ट डीसी है। मीन्स आप चार बैटरियाँ सीरीज में इसके साथ लगाएंगे तो ये रन करेगा। अगर बैटरी भी चलाना चाहते हैं, विदाउट बैटरी भी ही रन करेगा। ये ऐसा नहीं कि विदाउट बैटरी नहीं चलेगा। अगर आप बैटरी से बैकअप लेना चाहते हैं तो आप 48 वोल्ट कम से कम चार बैटरियाँ सीरीज में इसके साथ लगाएंगे तो ये आपको बैकअप देगा। दोस्तों, यहाँ बात करता चलूँ कि आप इसके साथ 8 बैटरियां भी लगा सकते हैं, 12 बैटरियां भी लगा सकते हैं, पर जहन में सिर्फ ये रखना है कि 800 एम्पीयर तक का पावर बैंक आप इसके साथ लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ आप मेरा एरो देख रहे हैं, माउस का कर्सर देख रहे हैं कि मैक्सिमम सोलर चार्ज करंट 80 एम्पीयर है। मीन्स आप 80 एम्पीयर से इसके साथ बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर हम 800 एम्पीयर डिवाइडेड बाय 10 करें तो चार्जिंग रेशियो हमेशा बैटरी का 10% होता है, तो हमें 80 एम्पीयर जवाब मौसूल होगा। तो दोस्तों, 5000 वाट तक के पैनल इसके साथ लगा सकते हैं। और इसकी जो एमपीपी रेंज है, जो एमपीपी चार्ज कंट्रोलर ऑन होगा, वो 120 वोल्ट और ज़्यादा से ज़्यादा जो हद है इसकी 430 वोल्ट डीसी रखी हुई है। अब दोस्तों, बात करते चलूँ कि इसके साथ कौन कौन से वाट के पैनल जो हैं वो कितने कितने लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं ये बात करता चलूँ कि 330 वाट के हम 16 पैनल इसके साथ लगा सकते हैं। 8 की एक स्ट्रिंग बनाई सीरीज की, 8 की एक बनाई और उन्हें आपस में जोड़ दिया। 335 वाट के भी हम ऐसे ही 8-8 की सीरीज की स्ट्रिंग बना के और इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अब बात करता चलूं कि 150 वाट तक के हम सोलर पैनल कितने लगा सकते हैं। सिंपल सा फार्मूला है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि 5000 डिवाइडेड बाय 150, तो 33 के करीब हमारा जवाब आएगा। तो हम 16-16 के 16 की एक स्ट्रिंग सीरीज में बनाएंगे, 16 की एक बनाएंगे, तो 32 पैनल हम इसके साथ आराम से 150 वाट के लगा सकते हैं सीरीज में। 250 वाट के हम 20 पैनल इसके साथ लगा सकते हैं, 10 की अलग सीरीज बनाई, 10 की अलग सीरीज बनाई और उन्हें आपस में जोड़ दिया। तो दोस्तों, इस सीरीज बताने का मकसद ये होता है कि हम इस रेंज के अंदर रहेंगे, 120 से लेके 430 VDC तक के अंदर रहेंगे। तो दोस्तों, ये एक छोटी शार्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जो 2020 का इन्वर्टर, 2020 का इन्वर्टर उसमें देखें, ये सिर्फ कलर का चेंज किया। अभी जो इन्वरेक्स ने सीरीज लॉन्च की है वो नाइट्रॉक्स की सीरीज लॉन्च की है, उसमें ड्यूल एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर वगैरह है, उसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो ताकि मज़ीद उसमें आपको मैं समझा सकूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है ये शार्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।